हेलो नमस्कार साथियों, जीके राजस्थान के यूट्यूब चैनल में मैं नीरज मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वेरी वेरी सॉरी साथियों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम ठीक समय पर आपके बीच में लाइव नहीं आ सके, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूं। तो एक बार सभी लोग अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दें, अपने वीडियो को पहुंचा दें ताकि सभी लोगों का कल्याण हो सके, क्योंकि नेक्स्ट वीक में आपका एग्जाम है। जस्ट इसलिए आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने के लिए मैं आज भी ज्योग्राफी से संबंधित विशेष प्रश्नों को लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। तो प्लीज एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर करके वीडियो को लाइक कर देंगे और अपनी संख्या को बढ़ाएं। और पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा वो आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जवाब आपको देना होगा। आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जवाब देना होगा, बहुत ही जबरदस्त और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर करें भाई, कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं आपके बीच में लाइव नहीं आ पाया था ठीक समय पर, ठीक है साथियों। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। गुड मॉर्निंग सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रत्यास्थ पुनर्संचलन का सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रत्यास्थ पुनर्संचलन का सिद्धांत किससे संबंधित है? ज्वालामुखी, चक्रवात, भूकंप या भूकंप एवं ज्वालामुखी, यह आपको बताना होगा। प्रत्यास्थ पुनर्संचलन का सिद्धांत इसमें से कौन सी घटना से संबंधित है, देखते हैं कितनों इसका सही जवाब देते हैं। अच्छा जिद्दी क्यूट, आप बूढ़े हो गए, कोई बात नहीं भाई, बूढ़े हो गए तो फिर से जवान हो जाओगे, मैं आ गया हूं ना। तो प्रत्यास्थ पुनर्संचलन का सिद्धांत किसने दिया, किससे संबंधित है, जल्दी से बताइए। मैक्सिमम लोग ऑप्शन डी को क्लिक कर रहे हैं, विक्रम हिना जी भूकंप बता रहे हैं। देखिए साथियों, पहली बात तो यह समझना कि प्रत्यास्थ पुनर्संचलन है क्या। जो आपके पृथ्वी के अंदर चट्टाने हैं उनके अंदर एक सहन करने की शक्ति है, अगर उस सहन से ज्यादा उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है, एक दूसरे से दूर जाते हैं, चट्टाने टूट जाती हैं और चट्टानों के टूट जाने से पृथ्वी पर भूकंप की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो प्रत्यास्थ पुनर्संचलन का सिद्धांत भूकंप से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। जब चट्टान अपनी आखिरी सीमा पर पहुंचकर टूट जाती है तो पृथ्वी के बाहरी भाग पर भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है, इसी को प्रत्यास्थ पुनर्संचलन कहते हैं। और प्रत्यास्थ पुनर्संचलन का सिद्धांत भूकंप से ही संबंधित है। जबरदस्त सेशन चल रहा है साथियों, बहुत सही निशा मीना ललित, जबरदस्त। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे। अब बात करते हैं आज के सेशन का सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड आपके स्क्रीन पर होगा। चलिए, तो आपने बता दिया कि प्रत्यास्थ पुनर्संचलन भूकंप से संबंधित है, हो सकता है कि प्रत्यास्थ इलेक्ट्रिसिटी से दूसरा क्वेश्चन आ जाए क्या कि किसने सिद्धांत दिया है। तो आपको बता देना चाहिए कि यह प्रत्यास्थ पुनर्संचलन का सिद्धांत किसने दिया है, प्रत्यास्थ पुनर्संचलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, थॉमस रीज, हैरी होम्स, जॉली या डेली। तो आपको बताना होगा कि प्रत्यास्थ पुनर्संचलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। जबरदस्त क्वेश्चन है, जल्दी से स्वागत है रविशंकर भैरवा जी, जल्दी से, बहुत सही बहुत सही। चलिए जवाब देना शुरू करिए आप सभी लोग, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रत्यास्थ पुनर्संचलन का सिद्धांत किसने दिया है, हुकुम सिंह का कहना है सर ऑप्शन ए सही है, भारती मीना जी बी। देखिए साथियों, प्रत्यास्थ पुनर्संचलन का सिद्धांत दिया है थॉमस रीड ने, इसका सही जवाब होगा क्या, एप्पल। एप्पल किसने दिया है, थॉमस रीड ने दिया है प्रत्यास्थ पुनर्संचलन का सिद्धांत। आइए बात करेंगे आज के सेशन का सेकंड थर्ड नंबर क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। आपसे पूछा कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, जैसे मान लीजिए आपकी पृथ्वी है और इस पृथ्वी को अगर दो भागों में बांट दिया जाए, इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध और ऊपर वाले भाग को बोलते हैं क्या, उत्तरी गोलार्ध। तो आपको बताना है कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 21 जून, 23 मार्च, 22 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कब होता है, जल्दी से जवाब देना शुरू करिएगा आप जल्दी से। रविशंकर जी आप 3 का ये बता रहे हो भाई, देखिए आप क्वेश्चन सोच समझ कर बताइए भाई,
यहां आप लोग सभी लोग गलत जवाब दे रहे हो, मैक्सिमम लोग गलत जवाब दे रहे हैं, क्वेश्चन आप लोग नहीं पढ़ रहे हो। क्या पूछ रहा है? दक्षिणी गोलार्ध पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि दक्षिणी गोलार्ध का जो सबसे लंबा दिन होता है ना, वह 22 दिसंबर होता है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर सबसे गर्म दिन होता है। क्या होता है? सबसे गर्म दिन होता है, और उसी दिन मकर रेखा पर सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है। रही बात 21 जून की, तो भाई ये उत्तरी गोलार्ध में जहां हम लोग रहते हैं, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं ना, तो उत्तरी गोलार्ध का जो होता है सबसे लंबा दिन वो होता है 21 जून को, और दक्षिणी गोलार्ध का 22 जून को। मैक्सिमम लोगों ने गलत जवाब दिया है। हाँ, अब सब सही जवाब दे देंगे भाई। इतना तो आप सभी को समझना चाहिए भाई, इतना तो आप सभी को समझना चाहिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशली मैंने ये सब क्वेश्चन बनाए हैं साथियों, तो प्लीज आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक फैलाएं, ताकि अच्छी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जा सके। चलिए देर नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी चलते हैं और अब बात करेंगे आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन। पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है। क्या पूछा है? कि पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है कहां पर? पृथ्वी पर दिन और रात कहां पर बराबर होता है? कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, ध्रुव पर या मकर रेखा पर? तो आइए देख लेते हैं सब सारी चीजें हैं कहां। जैसे मान लीजिए आपकी पृथ्वी होगी, तो यह होगा क्या? यह होगा विषुवत रेखा, यह होगा विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और सबसे लंबी विषुवत रेखा। इसके बाद अगर हम बात करें 23 सही 1/2 अंश की, उत्तर में तो कौन सी रेखा होगी? कर्क रेखा। 23 सही 1/2 अंश दक्षिण में बात करें तो 23 सही 1/2 अंश दक्षिण में कौन सी रेखा होगी? मकर रेखा होगी। ध्रुवों की बात करें तो यहां पर ध्रुव होते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि दिन और रात कहां बराबर होते हैं। सही जवाब सभी क्या आना चाहिए? बहुत सही। कुछ लोग सी भी जवाब दे रहे हैं भाई, क्या बात है यार, ध्रुवों पर दिन रात बराबर होते हैं वहां तो। चलिए 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 चलिए, जबरदस्त, वाह क्या जवाब है। देखिए साथियों, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर, विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि यह पृथ्वी के मध्य से होकर के गुजरती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी के मध्य से होकर के गुजरती है, इसलिए इसको भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं विषुवत रेखा को। और विषुवत रेखा चूंकि पृथ्वी के मध्य में है, इसलिए सूर्य पर दिन और रात का प्रभाव बराबर होता है विषुवत रेखा पर। यहां 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, ये आपको पता होना चाहिए। रही बात ध्रुवों पर, तो ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। चलिए एक बार सभी लोग शेयर करके, बहुत सही साथियों, आज आप लोग अच्छा काम कर रहे हो, जबरदस्त, बिना कहे शेयर करना पड़ेगा। अपने अक्ष पर पृथ्वी कितने समय में एक बार घूम जाती है, यानी पृथ्वी एक बार कितने समय में अपने अक्ष पर घूमती है। क्या पूछ रहा है? अपने अक्ष पर पृथ्वी में दो प्रकार की गतियां होती हैं, कौन कौन सी? एक होता है घूर्णन, घूर्णन का मतलब होता है, एक होता है घूर्णन और एक होता है परिक्रमण। तो क्या पूछ रहा है? घूर्णन काल पूछ रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में घूम जाती है। 24 घंटे में, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, 365 घंटे में, या इनमें से कोई? अब देखते हैं, सोच विचार कर कितने प्रेजेंट ऑफ माइंड होकर के दिमाग लगा करके इसका जवाब देते हैं। गुड आफ्टरनून महेंद्र मिया जी, गुड आफ्टरनून, जबरदस्त जवाब सभी का आना शुरू हो गया भाई, वाह क्या बात है। विक्रम मीना ऑप्शन ए को टिक कर रहे हैं, भावु पटेल चुकू जी बी को टिक कर रहे हैं, जबरदस्त है। एक बार सभी लोग और शेयर करें, आज संख्या तो 200 के क्रॉस हो जानी चाहिए, सभी लोग लाइक भी कर दो भाई। विजय सिंह मीना जी बी बता रहे हैं। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप लोग याद रखिएगा, लगभग 24 घंटे होता है। क्या होता है? लगभग। अगर आप में ए विकल्प नहीं होता तब आपका बी ए वाला विकल्प सही हो जाता। अगर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड नहीं होता तब आपका ए विकल्प सही होता। अगर ए है तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड एक्चुअल टाइम होता है। अगर भाई हमारा प्रत्यक्ष मान लिया है तो हम लगभग वाले मान में क्यों जाएंगे? सोचिए आप लोग, कितने लोग यहाँ पे गड़बड़ कर देते।
इस क्वेश्चन को कितने लोग गड़बड़ कर देते हैं भाई, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को कितने लोग गड़बड़ करने वाले थे। हाँ देखिए, रही बात 365 दिन की, तो 365 दिन में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करती है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिन में पूरा करती है? 365 दिन में। जो ग्रह सूर्य की परिक्रमा जितने दिनों में पूरा करते हैं उस पर वह समय एक वर्ष के बराबर होता है। कोई भी ग्रह हो, जैसे मान लीजिए बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? 88 दिन में करता है। बुध जो है वह सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? 88 दिन में करता है। तो आपको पता होना चाहिए बुध ग्रह पर 88 दिन एक वर्ष के बराबर होता है। जो ग्रह सूर्य की परिक्रमा जितने दिन में करते हैं उस ग्रह पर वह समय एक वर्ष के बराबर होता है, और अपने अक्ष पर जितने समय में घूम जाते हैं उस पर वह एक दिन के बराबर होता है। इसलिए आपको यह पता होना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट है। हाँ बहुत सही, जबरदस्त। ये जो मैं बता रहा हूं इस पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग साथियों, मजा आ जाएगा, बहुत मजा आएगा। आप आराम से पढ़ते रहिए। चलिए आप बात करेंगे आज के सेशन का 6 नंबर क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह कौन है? सबसे चमकीला ग्रह होता है सबसे चमकदार। बुध, शुक्र, मंगल या सूर्य? जल्दी से सभी लोग जवाब देंगे, एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर करेंगे भाई। जल्दी से सभी लोग जवाब देंगे, वीडियो को शेयर करेंगे कि सबसे चमकीला ग्रह कौन है। शुक्र, बहुत सही शुक्र। कुछ लोग मंगल भी बता रहे हैं, कुछ लोग शुक्र भी बता रहे हैं, कुछ लोग भाई सूर्य बताने वाले। रविशंकर जी, सूर्य ग्रह नहीं है यार, सूर्य एक तारा है, इतना तो आपको पता होना चाहिए और पता होगा भी। हाँ, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। शुक्र क्या है? सबसे चमकीला ग्रह है। क्या है? सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। चलिए आइए अब बात करेंगे आज के सेशन का 7वां क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? सौरमंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जो लगभग पृथ्वी के समान बड़ा है, पृथ्वी जितना बड़ा है? बुध, शुक्र, मंगल या वरुण? क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए, जबरदस्त क्वेश्चन है। हाँ सही साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे, जबरदस्त शेयर करेंगे आज के सेशन को। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए। हाँ जवाब आने भी शुरू हो गए। रविशंकर भैरव जी का कहना है सर मंगल ग्रह ऐसा है जो पृथ्वी के लगभग बड़ा है, पृथ्वी से तो बहुत बड़ा मंगल ग्रह है भाई। दिल खुश रहेगा, शुक्र बता रहे हैं, चीकू मंगल बता रहे हैं, राजू लोध जी मंगल, भाव पटेल जी मंगल, कमलेश मिया जी, रिस्की राहुल जी का कहना है सर शुक्र है। चलिए भाई, कुछ लोग वरुण भी बता रहे हैं, क्या बात है, कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, ये बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। और आपको पता होना चाहिए कि जो सौरमंडल का ग्रह शुक्र है ना, वह पृथ्वी के लगभग बड़ा है। जितना जितनी बड़ी पृथ्वी है लगभग उतना बड़ा शुक्र है, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है, इसीलिए तो कहा जाता है ना पृथ्वी का वाहन, पृथ्वी की वाहन किसको कहते हैं? शुक्र को। क्यों? क्योंकि लगभग पृथ्वी के जितना बड़ा है, इसी की वजह से शुक्र को पृथ्वी का वाहन कहते हैं। अर्थ सिस्टर्स, किसको कहेंगे? पृथ्वी का भागनी ग्रह। किसको कहेंगे? शुक्र को। क्यों कहेंगे? क्योंकि शुक्र का जितना बड़ा पृथ्वी या पृथ्वी की जितनी बड़ी शुक्र है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबरदस्त। हाँ बी फॉर बूंदी, जबरदस्त। हाँ राजस्थान से है तो बूंदी का नाम तो आना चाहिए। बी सही है, बहुत सही। चलिए एक बार और सभी लोग साथियों वीडियो को शेयर करेंगे, मजा आ जाएगी, आपकी संख्या बढ़नी चाहिए। चलिए बताइए क्या है कि सबसे तीव्र गति से चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे तेज चक्कर कौन लगाता है भाई? पृथ्वी, शनि, बुध या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 8। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
जल्दी से बताइए भाई, सबसे तीव्र गति से चक्कर कौन लगाता है? अंकित राघव जी का कहना सर सी यानी बुध, दिलखुश श्रेगर बुध, मंगल जी बुध, प्रेम नारायण जी बुध, पिंकी वर्मा का सर सबसे तेज तो पृथ्वी लगाता है, आ रहा है यूवी सैनी जी आपका आ रहा है, सबका आ रहा है भाई, गोविंद जी का कहना है सी है, अंकित जाट, दिलखुश श्रेगर, दीपिका सैनी, मिस निर्मल, रमाड़ी वेनवाल, बहुत सही अंकित, बहुत सही, जबरदस्त सभी का जवाब आ रहा है। देखिए भाई क्या है ना कि सबसे तेज गति से चक्कर कौन लगाता है? बुध है। क्यों लगाता है? क्योंकि वह सूर्य के सबसे पास स्थित है। केपलर के ग्रहों का नियम है ना, केपलर के ग्रहों का जो द्वितीय नियम है, जो द्वितीय नियम है उसमें केपलर महोदय जी ने बताया है कि जो ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक होता है वह सूर्य की परिक्रमा उतनी ही तीव्र गति से करता है। जो ग्रह सूर्य के नजदीक होता है वह सूर्य की परिक्रमा उतने ही तीव्र गति से करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि जो ग्रह सूर्य के नजदीक है वह सूर्य की परिक्रमा सबसे तीव्र गति से करता है। तो बुध सबसे, और इसीलिए बुध सूर्य की परिक्रमा तेज गति से करते हुए ही 88 दिन में पूरा कर लेता है। कितने दिन में? 88 दिन में। जबरदस्त क्वेश्चन है साथियों, बहुत सही, सभी लोगों ने ऑप्शन सी को टिक किया। चलिए एक बार शेयर करिए, संख्या तुरंत 150 के क्रॉस हो जाना चाहिए। आज भाई अगर 200 क्रॉस हो गया ना, आज की संख्या अगर 200 के क्रॉस हो गया तो मजा आ जाएगा। सड़े को मैराथन की क्लास लूंगा कम से कम 2-3 घंटे। कब? अगर संख्या 200 के क्रॉस हो जाएगी तो, नहीं तो नहीं लूंगा भाई, क्योंकि देखिए अब आपकी संख्या ज्यादा रहती है ना तो पढ़ाने का मजा ही कुछ और है। ठीक है, आज अगर 200 के पार हो जाएगी तो संडे को पक्का 2-3 घंटे की मैराथन क्लास लूंगा आपके एग्जाम के पहले। क्या कर रहा है क्वेश्चन बताइए, 9 नंबर, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? अब तो आपको इसका आंसर पता ही होना चाहिए, अब तो आपको इसका आंसर पता ही होना चाहिए कि यार ऐसा वह कौन सा ग्रह है जो सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। जल्दी से बताइए कि निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? प्लूटो, बुध, शुक्र या बृहस्पति? स्वागत है साथियों, रोमियो राजकुमार आपका स्वागत है। देखिए यहां अभी अभी इस प्रश्न का जवाब मैंने पिछले प्रश्न में दे दिया था, लेकिन तब भी सभी लोग सही जवाब नहीं दे रहे। क्यों भाई क्यों? देखिए मैंने बताया था कि जो ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक होगा वह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में लगाता है, और सबसे कम समय में 88 दिन में यही लगाता है भाई। उसके बाद 200 लगभग 25 दिन में कौन लगाता है? आपका वीनस लगाता है। उसके बाद आपकी पृथ्वी आती है, वह 365 दिन के आसपास लगाती है। कहने का मतलब यह है कि जैसे सूर्य से ग्रहों की दूरी बढ़ती चली जाएगी वैसे उनके परिक्रमा करने के समय में वृद्धि होती चली जाएगी। बहुत सही, बुध दिस बी, बी फॉर बुध, बी फॉर बुध भाई, बी फॉर बुध। चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के पास उपग्रह नहीं है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसे वह कौन से ग्रह का क्रम है जिसके पास उपग्रह ही नहीं है यार। चलो बताओ, चलिए भाई आपकी संख्या कम क्यों हो रही है यार? देखिए आप लोग ये बात शायद नहीं मानते हैं, आप लोगों का विश्वास है कि मैं यहाँ पर आता हूँ रोज आपके बीच में, आपके क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आपको आपकी सफलता मिले। तो आप सभी का भी मेरे प्रिय साथियों दायित्व है कि आपको आपकी अपनी संख्या में प्रत्याशित वृद्धि करनी होगी। तो निम्न में से कौन सा ग्रहों के पास उपग्रह नहीं है? मंगल और बृहस्पति, पृथ्वी और शनि, बुध और शुक्र, अरुण और वरुण। तो ऐसा वह कौन सा क्रम है जिसके पास उपग्रह ही नहीं है? अच्छा, अरुण वरुण के पास उपग्रह नहीं है। मैक्सिमम लोगों का जवाब सही आ रहा है, सुनील। चलिए
अंकित जाट सी बता रहे हैं, दिलकुश रेगर सी बता रहे हैं, गोविंद कुमार सी बता रहे हैं, सुधा चौधरी सी बता रहे हैं, मिस निर्मल सी बता रही हैं, बहुत सारे। देखिए इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए चलिए साथियों, इसका मतलब है कि इसका सही जवाब क्या है, बुध और शुक्र। आपको पता होना चाहिए आपके सौरमंडल में सिर्फ दो ही ऐसे ग्रह हैं जिसके पास उपग्रह नहीं है। अरे यार, अगर दो ही हैं तो नाम पक्का पता होना चाहिए। हाँ, तो नाम दो ही हैं और पता कर लो, बुध और शुक्र। मतलब जो सूर्य के एकदम नजदीक है, बुध और शुक्र, उनके पास उपग्रह नहीं है। बहुत सही, जबरदस्त सी, बहुत सही जवाब आ रहा है। चलिए संख्या को बढ़ाते रहिए यार, मनोबल को ऊंचा करिए, और जितने लोगों ने लाइक बटन को प्रेस नहीं किया तुरंत लाइक बटन को प्रेस करो तुरंत, ठीक है। चलो आइए बात कर लेते हैं आज के सेशन का 11 नंबर क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है कि सूर्य के संगठन में सहायक गैस, जो सूर्य है वह कौन कौन सी गैसों का मिश्रण है, यह पूछ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हीलियम और हाइड्रोजन, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दीजिए, जल्दी से, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य के संगठन में कौन सहायक गैस है। हाँ, हीलियम और हाइड्रोजन जवाब आने शुरू भी हो गए। हिमेश उपाध्याय, विक्रम मीना, श्रवण मेघवाल, बहुत से दिलकुश शेखर, बहुत से सुधा चौधरी, अंकित जाट, बहुत सही। देखिए साथियों, क्या किसने पूछा है, सरिता वर्मा, इकोनॉमी की क्लास। देखिए इकोनॉमी के क्वेश्चन कम आते हैं आपके पुलिस में, इसलिए जैसे ही पुलिस का एग्जाम हो जाता है फिर हम लोग इकोनॉमी को बहुत ही अच्छी तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। आपकी संख्या इकोनॉमी में भी अच्छी रहती नहीं है, तो आप सभी को सब में वृद्धि करना होगा। और आपको पता होना चाहिए कि सूर्य में कौन सा गैस पाया जाता है, हीलियम और हाइड्रोजन। कौन सा, हीलियम और हाइड्रोजन। जबरदस्त जवाब आ रहे हैं आप सभी के। चलिए आइए देख लेते हैं आज के सेशन का नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन। चलो ये बताओ भाई, क्या है कि निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। ग्रह नहीं है लेकिन प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे, सूर्य, पृथ्वी, मंगल, शुक्र। तो इसमें से कौन सा ग्रह नहीं है जिसमें से प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। बहुत सही, ए जवाब सभी का होना चाहिए। हाँ, ए बिल्कुल सही जवाब है, और मेरे सभी प्रिय नौजवान साथियों का ए बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए कि इसमें से सिर्फ और सूर्य एक ऐसा है जो ग्रह नहीं है लेकिन इसको प्राचीन विद्वान ग्रह मानते थे, प्राचीन विद्वान ग्रह मानते थे। चलो चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। प्रधान मध्यान रेखा किस स्थान से होकर के गुजरती है, आपसे पूछा है। ऐसी रेखा जिससे समय का निर्धारण किया जाता है, प्रधान मध्यान रेखा यानी 0 डिग्री देशांतर कहां से होकर के गुजरती है। आपके ऑप्शन है ग्रीनविच, सिडनी, इलाहाबाद या वॉशिंगटन। क्वेश्चन नंबर 13, जबरदस्त जवाब भी आने शुरू हो गए हैं, सभी के जवाब आ रहे हैं। बहुत सही, सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है कि प्रधान मध्यान रेखा। अच्छा, कुछ लोग भैया, सुधा चौधरी जी सिडनी से नहीं होकर के गुजरती है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है भाई, ऑस्ट्रेलिया तो पूर्ण रूप में पूर्वी देशांतर में है। ग्रीनविच, बहुत सही, यूनाइटेड किंगडम के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। कहां के ग्रीनविच से, इंग्लैंड के ग्रीनविच से। बीच वह है जो समुद्र का किनारा होता है, ग्रीनविच एक वेधशाला का नाम है। क्या वेधशाला, जहां मौसम विज्ञान से संबंधित चीजें होती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको पता होना चाहिए। रही बात इलाहाबाद से, तो इलाहाबाद से 82.2 अंश पूर्वी देशांतर गुजरती है, जो आपके भारत देश का मानक समय है, भारत देश का मानक समय जहां से तय किया जाता है। प्लीज अगर एक बार सभी लोग जम के आज शेयर कर दो ना,
आज अगर जम शेयर कर दो ना तो आज सबसे ज्यादा आंकड़ा हो जाएगा। अभी तक मात्र 159 मैक्सिमम हम लोग क्लास में बच्चे आए हैं। इतने दिन से हम लोग परिश्रम कर रहे हैं आप सभी के लिए, 159 मात्राएं हैं, आज ज्यादा कर दो, मजा आ जाएगा साथियों, एकदम मेरा मनोबल हाई हो जाएगा। तो सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर करिए, मैं थोड़ा एक मिनट रुक भी जाऊंगा, आपको टाइम भी दे रहा हूँ, उसके बाद में क्वेश्चन करूंगा। आप आराम से शेयर करके आइए, उसके बाद में क्वेश्चन कराऊंगा, भले ही कुछ लोग क्वेश्चन आंसर देते रहे। क्या कहा है कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जल्दी से सभी लोग एक बार शेयर करें और लाइक भी कर दें, जल्दी से। हाँ, जबरदस्त, बहुत सही संख्या आप सभी की बढ़ रही है और बढ़नी भी चाहिए। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या है। बहुत सही जवाब आने भी शुरू हो गए हैं, बहुत सही, मैक्सिमम लोग बहुत सही साथियों, इसका जवाब सी सभी लोग दे रहे हैं। देखिए भाई, ये आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, जैसे मान लीजिए आपकी पृथ्वी है और ये आपके ध्रुव है, ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। क्या पूछ रहा है? दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो जो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा है ना, उसको बोलते हैं देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 360 है। कितनी है? 360 है, आपको पता होना चाहिए। बहुत सही साथियों, वीडियो को शेयर करते रहें। अभी हम लोग 6 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, संख्या अपनी बढ़ाइए, सभी लोगों का जवाब सही आ रहा है। देखिए आप लोगों को अगर प्रीवियस ईयर के पेपर को चेक करेंगे ना, तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि आप कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न सॉल्व कर रहे हो यहां पे। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि आप कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे सॉल्व कर रहे हो, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों को शेयर नहीं करना है तो ना करें, हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग शेयर कहां कर रहे हैं भाई, आपकी संख्या बढ़ रही है। विषुवत रेखा के समांतर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? यानी विषुवत रेखा के समांतर खींची गई रेखा क्या कहलाती है, ये आपका क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? देखिए ये फिर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये आपका क्या है? साउथ, वो नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था। ये 0 डिग्री कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा। कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा। और आपसे पूछा है कि विषुवत रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो अब तो आपको जवाब सही पता होना चाहिए कि विषुवत रेखा के समांतर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? ये देशांतर रेखाएं तो ऐसे खींची जाती है ना भाई, और प्रधान मध्यमा रेखा भी रही है, तो जो विषुवत रेखा भी तो एक अक्षांश रेखा ही है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है? विषुवत रेखा ही है भाई, सबसे बड़ी तो यही है ना, जो पृथ्वी के मध्य से होकर के गुजरती है। हाँ, बहुत सही, जबरदस्त, गजब यार, मजा आ गया, लेकिन शेयर करोगे बहुत मजा आएगा। चलिए आइए बात करेंगे आज के सेशन का 16 नंबर क्वेश्चन। चढ़ते हुए सूरज का देश किस देश को कहा जाता है? कौन सा? चढ़ते हुए सूरज का देश किसे कहते हैं? चीन, जापान, नॉर्वे, हांगकांग। चढ़ते हुए सूरज का देश, आप देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आ रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, कुछ लोग नॉर्वे को बता रहे हैं, कुछ लोग जापान को बता रहे हैं, देखते हैं क्या होता है भाई। आइए हम ही बता देते हैं, कुछ लोग बी सी डी सब बता रहे हैं, वो यार देखिए, चढ़ते हुए या उगते हुए सूरज का देश जापान को कहते हैं। उगते हुए
सूरज का देश जापान को कहते हैं। नार्वे में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है, अर्धरात्रि को साल भर में एक बार, और कब? 21 जून को अर्धरात्रि को क्या होता है? सूर्य दिखाई देता है नार्वे में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, नार्वे में सूर्य कब दिखाई देता है? तो अर्धरात्रि को दिखाई देता है। जबरदस्त, वाह क्या बात है। एक बार अब तो शेयर कर दो भाई, एक बार अब तो शेयर कर दो ना, अब मजा आ रहा है। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, अब और इंपॉर्टेंट, अब आने वाले 4 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपको खुद अंदाजा हो जाएगा ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। चलिए बताइए, यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है बताइए? ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी या स्पेन? तो इसमें से सब कौन सा देश है जिसको लघु यूरोप कहा जाता है, छोटा यूरोप या लघु यूरोप कहा जाता है? आकृति जी, हार्ड क्वेश्चन ही है, जो क्वेश्चन आप सभी को आते हैं वो शेयर होते हैं, वो सस्ते होते हैं, जो लगता है कि नहीं आते वो हार्ड हो जाते हैं। ना तो कोई क्वेश्चन हार्ड होता है ना सरल होता है। अभी क्वेश्चन सबको नहीं पता है, आपको लगता है कि आईएएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आपके यहाँ। बताइए यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? अभी देखो सब गलत बताएंगे, और बताना शुरू भी किया, मैक्सिमम लोगों के जवाब गलत आ रहे हैं, कुछ लोगों ने सही जवाब दिया, बाकी सभी लोगों के जवाब गलत आ रहे हैं। और आपको हार्ड क्वेश्चन चाहिए भाई, आप सभी के क्वेश्चन गलत आ रहे हैं, जवाब किसी का अभी तक सही नहीं आया। अभी तक इस क्वेश्चन का सही जवाब किसी ने नहीं दिया है, बात क्लियर है। राजेंद्र मीना जी ने एक सही जवाब दिया है, राजेंद्र मीना जी ने सही जवाब दिया है फ्रांस, माफ कीजिएगा फ्रांस, बी ऑप्शन सही है। जिसने भी बी लोगों ने जवाब दिया, जितने लोगों ने बी मैक्सिमम लोगों ने जवाब दिया है, हाँ मैक्सिमम लोगों ने तो डी भी जवाब दिया, दिलखुश रेगर का भी जवाब सही है। अब तो सबका जवाब सही होना चाहिए, हाँ एक बनट बहुत सही, डी ए सब लोग स्पेन और जर्मनी को कर रहे हैं, फ्रांस को लघु यूरोप कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप बताइए, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? किसका? वनों का देश। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या कांगो? 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं। बहुत सही आरती स्वामी, बहुत सही जवाब, सही। चलिए भाई एक बार और शेयर कर दे आप, एक बार और शेयर कर दो भाई, मजा आ जाएगा। संख्या तो कम से कम 150 तो क्रॉस हो जानी चाहिए, संख्या कम से कम 150 तो क्रॉस हो जानी चाहिए या नहीं हो जानी चाहिए? हो जानी चाहिए सर, एक बार और शेयर करो, एक बार कोशिश करके देखो, हार नहीं होती कोशिश करने वालों की। बहुत सही, फरीद खान जी डी बता रहे हैं, पिंकी वर्मा जी डी बता रही हैं। देख लेते हैं भाई क्वेश्चन 18 का सही जवाब क्या है। विक्रम मीना जी ये बता रहे हैं सर, ऑस्ट्रेलिया में तो बन ही बन, ऑस्ट्रेलिया में तो बन ही बन है क्या? देखिए वनों का देश, बहुत से साथियों और एक बार शेयर कर दो, 159 का आंकड़ा क्रॉस हो जाना चाहिए, 159 169 का आंकड़ा क्रॉस हो जाना चाहिए। तो बता देना चाहता हूं कांगो को वनों का देश कहा जाता है। दो क्वेश्चन में 160 क्रॉस कर दो, 159 क्रॉस कर दो एक बार। हाँ, वनों का देश कांगो को कहा जाता है। कांगो कहां पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। कांगो कहां पर है? अफ्रीका। कमेंट्स पर ही शर्मा जी आपका कमेंट्स आ रहा है, अच्छे तरीके से आ रहा है। एक बार अगर चाहेंगे ना तो आंकड़ा आज सबसे बेस्ट हो जाएगा, सबसे ज्यादा होगा, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी, आप सबको भी बहुत ज्यादा खुशी होगी कि मैंने कोशिश किया, हम लोग कोशिश करते गए और एक दिन आंकड़ा हम लोगों का बेस्ट हो गया, एक दिन आंकड़ा हम लोगों का बेस्ट हो गया, 159 से भी ज्यादा आंकड़ा हो गया। तो एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे दमदार तरीके से। अभी दो क्वेश्चन बाकी है साथियों, अगर आप लोगों ने शेयर किया तो मजा आ जाएगा। अभी दो क्वेश्चन बाकी हैं, आंकड़ा 160 क्रॉस हो जाना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, जबरदस्त क्वेश्चन, हाँ बहुत सही, 160 क्रॉस हो जाना चाहिए। एक बार शेयर करो, किस, माफ कीजिएगा है थोड़ा गड़बड़ है, किस देश को होना चाहिए, क्या होना चाहिए? यहां पर एक पॉइंट गड़बड़ है, किस देश को, किस देश को
सफेद हाथियों के सफेद हाथी की भूमि के नाम से जाना जाता है। किस देश को सफेद हाथी की भूमि के नाम से, किस देश को? किस देश को सफेद हाथी की भूमि के नाम से जाता है? जल्दी से सभी लोग जवाब देंगे, किस देश को सफेद हाथी की भूमि के नाम से जाना जाता है? शेयर करिए, हांगकांग, इटली, थाईलैंड या सिंगापुर। तो जल्दी से जवाब दीजिए, किस देश को सफेद हाथी के भूमि के नाम से जाना जाता है? देखते हैं कितने लोगों का जवाब आ रहा है। शायद मैक्सिमम लोगों का जवाब आ रहा है सी, शायद मैक्सिमम लोगों का जवाब सी ही आ रहा है। चलिए साथियों, बहुत सही आप सभी का जवाब आ रहा है, जबरदस्त तरीके से आप सभी जवाब दे रहे हो। चलिए बहुत सही, आइए बात करेंगे आज के सेशन का नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन। एक बार आओ शेयर कर दो यार, संख्या 159 हो चुकी है, 157 है और 160 क्रॉस करो। जल्दी से करो, जल्दी से आखिरी क्वेश्चन में, आखिरी क्वेश्चन को जानने से पहले एक बार कर दो, मजा आ जाएगा। बहुत सही हो गया भाई, हो गया बहुत सही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मजा आ गया आज। चलिए बहुत सही, 20 नंबर क्वेश्चन आइए हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। जवाब आपका आना शुरू हो गया है, क्या है कि निम्न में से किस देश को पूरब की मोती कहा जाता है? निम्न में से किस देश को पूरब की मोती कहा जाता है? जापान, श्रीलंका, म्यांमार या नॉर्वे? तो पूरब की मोती किस देश को कहा जाता है? जल्दी से जवाब दीजिए आप सभी, जल्दी से वीडियो को शेयर करके जवाब दीजिए कि पूरब का मोती किस देश को कहा जाता है? निम्न में से किस देश को पूरब का मोती कहा जाता है? बहुत सही साथियों, बहुत सही, आपकी संख्या में अच्छी वृद्धि हुई है। 19 का आंसर तो बता दिया भाई, थाईलैंड को सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है और थाईलैंड में ही सफेद हाथियां पाई जाती हैं। तो 20 का भी जवाब सुनो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ लोग म्यांमार बता रहे हैं, कुछ लोग श्रीलंका बता रहे हैं, तो आइए देख ही लेते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है श्रीलंका। श्रीलंका को पूरब की मोती, पूरब का जवाहरात आदि नामों से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि मोती जैसी संरचना में है, जैसे मोती होता है ना, ऐसे संरचना है उसकी आकृति, ऐसा कुछ नहीं कि मोती पाई जाती है, वह आकृति के हिसाब से उसकी संरचना ऐसी है जिसकी वजह से उसको पूरब की मोती कहा जाता है। ठीक है, तो साथियों ये रहा आज का सेशन आपका जबरदस्त और इंपॉर्टेंट। अब हम लोग कल अगले सेशन में आपके साथ 6:11 बजे लाइव जुड़ेंगे। जितने लोग लाइव जुड़े हैं, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक बटन को प्रेस करिएगा और ऑफलाइन कमेंट जरूर करिएगा कि आज आपको आज के क्वेश्चन कैसे लगे, और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए। नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिए ताकि हम और आप एक परिवार